हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज अमित गर्ग। जैसा कि हमने पहले सेशन में ज्योग्राफी मैपिंग इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड सेशन में वी हैव कवर्ड रामसर साइट्स। सो दिस इज थर्ड सेशन, वी विल सी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ओके, नाउ दिस इज माय इंट्रोडक्शन। अमित गर्ग, 11 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। Eight-year teaching experience in top institute, guided more than 80,000 civil services aspirants. Okay. Now here, this is about our UPSC civil services examination subscription category. We have 70 plus educator on Unacademy Plus. We have educator like Munal Patel. We have educator like आयु संगी। मैं भी आपके साथ अनअकैडमी प्लस पे ज्योग्राफी मैपिंग वाला पार्ट लेने वाला हूँ, कंप्लीट ज्योग्राफी कोर्स फॉर जीएस आल्सो। तो मैं आपके साथ अनअकैडमी प्लस पे डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ हियर ऑन दिस अनअकैडमी प्लस फॉर यूपीएससी कैटेगरी, वीकली वी हैव टेस्ट। हर संडे जीएस एंड सीसेट टेस्ट वी हैव। तो एवरी संडे जीएस एंड सीसेट टेस्ट। आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट और सेकेंड सेशन ऑल्सो, दिस टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज प्रैक्टिस इज मस्ट। जितना ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, दैट हेल्प अस। बता देता हूं, लाइक हियर वी हैव थ्री स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, दैट इज पीटी, ऑल्सो नोन एज पीटी। पीटी स्टैंड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। हर एग्जाम की अलग रिक्वायरमेंट है, प्रीलिम्स की अलग रिक्वायरमेंट है, मेंस की अलग रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू की अलग रिक्वायरमेंट है। नाउ हियर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में क्या है, एमसीक्यूज। तो यहां पे आपके सामने आंसर ऑप्शंस हैं, दे हैव गिवन आंसर ऑप्शन ए बी सी डी, उसमें से निकालना है कि कौन सा करेक्ट है। तो क्या है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन रिकलेक्ट करनी है, रिकॉल करनी है, तो उसके बेस पे हमने आंसर मार्क करना है। कुछ एक चीट टेक्निक है, कुछ एक एडवांस टेक्निक है, वी विल वर्क ऑन एमसीक्यूज आल्सो। उसमें एक्स्ट्रा स्टडी की जरूरत नहीं। आई टेल यू, यूपीएससी के एग्जाम में हर साल 10 to 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हम एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मतलब तीन स्टेटमेंट दे दिए, स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर टू, स्टेटमेंट नंबर थ्री। के इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड नो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि हमें हर स्टेटमेंट पता होना चाहिए। 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में दो से ज्यादा स्टेटमेंट है, तो हियर इट इज नॉट फिजिबल दैट यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ये है कि कई बार क्या होता है, 10 to 12 क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू। हर साल 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको मिलेगा कि स्टेटमेंट नंबर थ्री तो रॉन्ग है, स्टेटमेंट वन और टू का पता ही नहीं। आई हैव सीन स्टूडेंट दे लीव दिस क्वेश्चन, आई टेल यू बोनस मार्क, 2 मार्क्स बोनस मार्क। कैसे? आंसर ऑप्शंस में होगा कि आंसर ऑप्शन ए बी सी डी। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, आंसर ऑप्शन वन में दे देगा 1 and 3। आंसर ऑप्शन ए होगा 1 and 3, आंसर ऑप्शन बी होगा 2 and 3, आंसर ऑप्शन सी होगा 1 and 2, आंसर ऑप्शन डी होगा 1, 2 and 3। आई डिस्कस एवरी ईयर देर आर 10 to 12 क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या हो गया, 3 रॉन्ग हो गया, तो आंसर ऑप्शन ए, आंसर ऑप्शन बी और आंसर ऑप्शन डी हो गए एलिमिनेट। मुझे नहीं पता 1 है क्या, 2 क्या है, बट मुझे पता है कि 2 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, ठीक है। सबको ही चाइल्डहुड में पता चल गया था, आंसर नहीं पता, बट हमारी चाइल्डहुड में एक चीज हमने सीख ली थी कि अगर ए रोंग है, बी रोंग है, डी रोंग है, बचा क्या, सी। सी जो है वो करेक्ट है, आप सी मार्क कर दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाने। तो इसी तरह से हर साल सी सेट पेपर, जीएस पेपर एलिमिनेशन टेक्निक हेल्प करेगी। और भी काफी सारी टेक्निक्स है जिसपे हमें वर्क करना होगा, लेकिन वो टेक्निक आप कब एडॉप्ट कर पाएंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो यार इट इज रिकमेंडेड कि प्रीलिम्स से पहले कम से कम आपको 5000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। आई सजेस्ट 5000। इसमें से 5000 में से अगर 1% क्वेश्चन भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके प्रीलिम्स में आ गए, तो 50 क्वेश्चन तो वही बन गए, उसमें करेक्ट होने के चांसेस 70% बन जाते हैं, 35 तो वहीं करेक्ट हो जाएंगे। और जब उन क्वेश्चंस पे आप वर्क करेंगे, आप देखेंगे कि आंसर ऑप्शंस को मैंने रिवाइज करना है, आंसर ऑप्शंस पे वर्क करना है, आप अपनी टेस्ट सीरीज पे एनालिसिस करेंगे, वो आपको हेल्प करेगी प्रीलिम्स में, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस मस्ट है, तो इसीलिए हम हर वीक आपके लिए टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जीएस के लिए, सी सेट के लिए।
तो कभी भी मत छोड़ना, जब भी टेस्ट हो अगर उस दिन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे तो मंडे को जरूर अटेम्प्ट करना। स्कोर से नहीं घबराना है, अगर स्कोर 0 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, डजंट मैटर, ये लर्निंग के लिए है। आपको डिमोरलाइज नहीं होना है कि मेरा स्कोर 10 आया 20 आया, आपने लर्न करना है। मान लो 100 में से आपके 5 क्वेश्चन ठीक है तो वो 5 पे नहीं ध्यान देना, आपको 95 पे ध्यान देना है। उन 95 से आपको 95 इंफॉर्मेशन लर्न करनी है, सीखनी है। अगर आई गारंटी अगर उन 95 से एक भी क्वेश्चन आ गया वो तो पक्का ठीक होगा, क्योंकि पहले गलती कर चुके हो। जहां भी पहले गलती की है वो गलती कभी रिपीट नहीं होती, क्योंकि माइंड की इंटेंशन चेंज हो जाती है। जहां पे गलती की होती है माइंड अच्छे से उस चीज को पढ़ता है। और एक चीज और बताता हूं, कई बार पढ़ पढ़ के लाइक प्रिपरेशन बिकम मोनोटोनस, पढ़ते गए लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ ली, 12 बार पढ़ ली, अब कैसे उसको अंदर दिमाग में बिठाए। तो आपने क्या करना है, आपने अपने टेस्ट लगाने, टेस्ट में जहां जहां गलती है वो आपने A4 साइज पेपर पे लिख लेने हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन गलत हुआ, मेरा DPSP से क्वेश्चन गलत हुआ। तो आपने क्या करना है, आपने अपना पॉलिटी निकालना है, लक्ष्मीकांत निकालनी है, रिवाइज करना है। आप देखेंगे कि आपकी इंटेंशन और आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो पहले था और अब था, उसमें बहुत डिफरेंस होगा। अब आप क्या है, आप गलती के ऊपर इंप्रूव कर रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी। अब आप रिटेन करने के लिए पढ़ेंगे, आप हर चीज को याद रखने के लिए पढ़ेंगे, ना कि सिर्फ पढ़ने के लिए। तो यूपीएससी में आपने क्या करना है, आपने सिर्फ रीड नहीं करना है, आपने उस इंटेंशन से रीड करना है कि हाउ मच यू हैव रिटेन। तो ये टेस्ट सीरीज आपको रिटेन करने में हेल्प करेगी, और जब तक रिटेन नहीं करोगे आपके आंसर ठीक नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह मेंस में आंसर राइटिंग, दे चेक योर प्रेजेंटेशन स्किल, डिफरेंट स्किल आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप जीएस मेंस ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं विद लेस नॉलेज। ओके, मेरे हमेशा जीएस में अच्छे मार्क्स रहे हैं मेंस में, तो मैं आपके साथ वो चीजें डिस्कस करूंगा, एंड स्पेशली ज्योग्राफी क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है, हम उसमें मैप बना सकते हैं, हम उसमें डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू दैट इज स्पीकिंग, सो दिस टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई ऑन अनअकैडमी प्लस व्हाट वी हैव एवरी संडे वी हैव टेस्ट। तो लाइक गाइस स्किप नहीं करना है, जो जो अनअकैडमी प्लस पे आपको हर संडे टेस्ट देना है, अगर संडे को नहीं दे पा रहे तो मंडे को दे। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज अवर सब्सक्रिप्शन, आई ओनली टोल्ड लाइक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, सबसे बेस्ट लाइक स्टूडेंट के लिए ईयरली है। वी हैव 35,000 रुपीज फीस ईयरली। ठीक है, मंथली कितना ही बन रहा है आपके लिए, 35,000, 3,000 से भी कम बन रहा है, डेली 100 रुपीज से कम सब्सक्रिप्शन, एंड 24 आवर यू कैन एक्सेस आवर लाइव क्लासेस, एंड वेयर वी हैव 70+ एडुकेटर। ठीक है, 90 रुपीज के आसपास है, उससे भी कम कर देता हूं। देयर इज अ कैच, देयर इज माय कोड अमित लाइव, AMITLIVE। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, 35,000 है उस पर 10% डिस्काउंट मिल गया, आपकी फीस बन गई 31,500, रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। ठीक है, अराउंड 80 रुपीज पर डे, क्या होता है 70+ एडुकेटर है, आपके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, एसए का कोर्स है, इससे कम कहीं नहीं मिलेगा, आई गारंटी, ऑल ओवर इंडिया, घर बैठे बैठे व्हाट यू नीड, वाईफाई, लैपटॉप, अनअकैडमी प्लस पे 31,500 में एक ईयर के लिए। वी हैव टॉप एडुकेटर हियर ऑन अनअकैडमी प्लस। नाउ हियर आई स्टार्ट माय टॉपिक, दैट इज हेरिटेज साइट्स। पहले यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे जैसे क्या है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यूएन का हमारे यहाँ की विरासत से क्या मतलब है, हमारे यहाँ की जो हेरिटेज है उनको वो क्यों डेजिग्नेट कर रहे हैं यूनेस्को साइट, क्योंकि उनका मोटिव ही है, इट्स डिक्लेयर्ड पर्पस इज टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर इन ऑर्डर टू इंक्रीज यूनिवर्सल respect for the justice, the rule of law and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the United Nations Charter. ठीक है जी, तो इनको peace, security बढ़ानी है by the way of in the collaboration in education, science and culture.
तो इंटरनेशनल लेवल पे लाइक व्हाट वी हैव टूरिस्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस कमिंग हियर, वो हमारी विरासत को देखते हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, उन पे पीएचडी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हियर यूनेस्को क्या करता है, जो उसको साइट अच्छी लगे लाइक कल्चरली लाइक दैट इज हैविंग इम्पोर्टेंस, तो उनको कल्चरल और नेचुरल दो हैं तो उनको वो यूनेस्को डेजिग्नेटेड साइट कर देते हैं। तो इट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ये है क्या, इट इज़ अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन बेस्ड इन पेरिस। ध्यान रखना, आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि इसका बेस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड इट्स डिक्लेयर्ड पर्पस इज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी। इट इज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ द नेशन इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। सो इट इज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशन इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। Now here, now guys, I ask you question. काफी लोग जुड़ चुके हैं, वेलकम। मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं, काफी लोग बोलते हैं सर आप पूरा इंग्लिश में पढ़ाइए, कुछ बोलते हैं कि कन्नड़ में पढ़ाइए, कन्नड़ आई डोंट नो, तमिल आई डोंट नो, मुझे या तो इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, बट इस चैनल की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इंग्लिश में पढ़ाना है, हमने इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ाना है, ओके okay? तो काइंडली कोऑपरेट, जो लाइक लोकल लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो उसी में ये चैनल है, तो लाइक आई स्पीक हाफ इंग्लिश हाफ हिंदी, तो कंटेंट थोड़ा इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में बीच बीच में बोलता रहूंगा। नाउ हियर फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट चेक कर रहा था, कल मैंने आपसे पूछा था कि किस किस स्टेट पीसीएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे पास काफी कम कमेंट आया, तो राइट नाउ ऑल्सो यू जस्ट राइट, आप अगर जिस स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जस्ट राइट इन कमेंट। अगर आप हरियाणा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने भी एक बार इंटरव्यू दिया हरियाणा का, तो मैं आई कैन गाइड यू, तो आप लिख दीजिए। अगर आप पंजाब के लिए कर रहे हैं, यूपी के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ फ्री सेशंस आपके स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग भी इस यूट्यूब चैनल पे ले लूंगा, ठीक है। आप अपना तुरंत स्टेट पीसीएस कमेंट में डाल दीजिए। हां जी फ्रेंड्स, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इंडिया में यूनेस्को डेजिग्नेटेड साइट्स कल्चर नेचुरल दोनों मिला के कितनी है टोटल नंबर, जस्ट राइट इन कमेंट, बी फास्ट। अगर उसमें आप लिख देंगे कल्चरल कितनी है, नेचुरल कितनी है, मिक्स कितनी है, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं। नाउ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यूनेस्को दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज एज डिस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एस्टेब्लिश इन 1972। ये ईयर याद रखना, कन्वेंशन हुई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एस्टेब्लिश्ड इन 1972, उसके अंडर इनको डिक्लेयर किया जाता है। मे बी इन यूपीएससी देगी स्टेटमेंट, स्टेट पीसीएस में तो डायरेक्ट पूछ लेगा कौन से साल की कन्वेंशन है, सो 1972। नाउ हियर देयर आर 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन इंडिया, टोटल है 37, दिस इंक्लूड 29 कल्चरल साइट्स, ठीक है, 37 में से होगी 29 कल्चरल साइट, 7 नेचुरल साइट्स एंड 1 मिक्स साइट। सो गाइस जस्ट राइट योर आंसर इन कमेंट, ये मिक्स साइट कौन सी है उसका नाम, ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मिक्स साइट कौन सी है। नाउ हियर कल्चरल साइट, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज साइट्स है जो कि यूनेस्को से डेजिग्नेटेड है। जो दिल्ली से है आप लिख दीजिए दिल्ली में कौन कौन सी हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंडर है, जो यूपी से है आप लिख दीजिए यूपी में कौन सी है, जो पंजाब से है पंजाब में कुछ है कि नहीं है भैया, जस्ट चेक अगर गए हो कभी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अपने अपने स्टेट्स की आप कल्चरल मे बी नेचुरल अगर है तो जस्ट राइट इन कमेंट, अपने स्टेट का तो पता होना चाहिए। नाउ हियर मैं नॉर्थ, हां एक चीज और मैंने देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इन चीजों को अल्फाबेटिकली क्रम कर देते हैं, आप नेट पे देखेंगे आप कहीं भी देखेंगे इनकी लिस्ट मिलेगी अल्फाबेटिकली, जैसे ही आपने अल्फाबेटिकली पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैप तो माइंड में बनेगा ही नहीं,
आप रट्टा लगा रहे हो, रट्टा क्या काम करेगा, एक वीक के लिए, फिर उसके बाद फिर दोबारा से रटोंगे, इतना ज्यादा सिलेबस है, मैपिंग ही के 40-45 लेक्चर हो जाएंगे, तो हर वीक कैसे रिवाइज कर पाएंगे, हर वीक दोबारा से रट्टा कैसे लगा पाएंगे। तो पहले ही बार में हमने उस मैनर में पढ़ना है ताकि कम से कम 6 महीना तो याद रहे, तब तक हमारा एग्जाम हो जाएगा, हमारा प्रीलिम्स होगा, काम खत्म, ठीक है। तो हमने अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है, अच्छे तरीके से विजुलाइज करके पढ़ना है। अब मैं बताता हूं कि मैंने कैसे किया होगा। Now here, what I will do, इंडिया का मैप लेना है आपको। पहले तो इस साइड वेस्टर्न साइड में देखना, नॉर्थ टू साउथ, जैसे कि सबसे नॉर्थ में यहाँ कल्चरल साइड चंडीगढ़ में, तो मैं चंडीगढ़ से स्टार्ट करूंगा, फिर उससे साउथ में आऊंगा तो मुझे मिलेगा दिल्ली, ठीक है। उसके बाद राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। तो हम क्या करने वाले हैं, हम स्टेट वाइज नॉर्थ टू साउथ, पहले वेस्टर्न पार्ट ये वाला, फिर हम यहाँ पे देखेंगे बिहार, उड़ीसा, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर उसके बाद हम नेचुरल साइट्स, नेचुरल साइट के लिए भी बताऊंगा कैसे इजीली याद रखना है ताकि जब भी हम रिवाइज करें बार बार रट्टा ना लगाना पड़े। तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में है कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो कि 2016 में ऐड हुई है, द आर्किटेक्ट वर्क ऑफ ली कॉर्बुज़े एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट, ली कॉर्बुज़े एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट 2016, अगर याद ईयर याद रहे तो बढ़िया है, बट यूपीएससी में उतना फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, पर्टिकुलर स्टेट से स्टेट पीसीएस में पूछ लेगा, लाइक अगर चंडीगढ़ है तो हरियाणा वाले भी पूछ सकते हैं, पंजाब वाले भी पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में ऐड हुई है। तो आप जो जो स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये ईयर याद कर लीजिए, अदरवाइज यूपीएससी के लिए ईयर रटने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी में आप वो फैक्चुअल क्वेश्चन, इतना फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछते। चंडीगढ़ वाले मेरे लिए एक लाइक डाल दे। नाउ नेक्स्ट, जो जो दिल्ली से है, मुझे लगता है आप सब ये सब प्लेसेस पे तो जा चुके हैं, और जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और कुछ और एरिया में रह के, आपने भी विजिट किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो जब भी आपको टाइम लगे जस्ट विजिट दिस प्लेसेस। अभी तो काफी समर है, जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है विंटर में, आप इन प्लेसेस पे जरूर जाके आइएगा। तो दिल्ली में हमारे पास है तीन, हुमायूं टॉम, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। ईयर दिल्ली में दास सर्विस होती है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो दिल्ली से बिलोंग करता है, तो जो भी दास सर्विस के लिए अपियर कर रहा है आप इनके ईयर भी याद कर लीजिएगा। जो जो दास के लिए अपियर कर रहा है जस्ट पुट इन कमेंट लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दास, आपको भी कुछ हेल्प करूंगा बाद में, कुछ सेशंस लूंगा आपके लिए, तो काइंडली जस्ट राइट योर स्टेट पीसीएस इन कमेंट जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने सेशंस बनाऊंगा और आपको हेल्प करूंगा। क्यों देर लगा रहे हो बॉस, आपके लिए ही है ये यूट्यूब चैनल। नाउ दिस इज हुमायूं टॉम दिल्ली 1993, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट 1993, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007। नाउ नेक्स्ट, जो जो राजस्थान से है, राजस्थान में है जंतर मंतर जयपुर 2010। जो दिल्ली का जंतर मंतर में भी काफी लोगों ने गए होंगे, वहां पे धरने ज्यादा होते हैं, बट अगर जिसने जयपुर का जंतर मंतर नहीं देखा कुछ नहीं देखा, के दैट इज मोर साइंटिफिक, जरूर जाना टाइम लगे तो। तो जयपुर जंतर मंतर, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, हिल फोर्ट्स, काफी सारे फोर्ट्स हैं, 6 फोर्ट्स हैं इसके अंडर, लिस्ट बता देता हूं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, गैगरोन फोर्ट, आमेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट।
जो राजस्थान से है या वैसे ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से फोर्ट में से कौन सा फोर्ट गोल्डन फोर्ट कहलाता है? जस्ट राइट योर आंसर इन कमेंट। गोल्डन फोर्ट, कुछ लोगों ने रिप्लाई किया जैसलमेर, परफेक्ट, छा गए बॉस। जैसलमेर फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फोर्ट। आई सजेस्ट यू जब भी टाइम लगे इन सब फोर्ट पे जरूर जाना, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गैगोन, आमेर, जैसलमेर। ओके, तो ये राजस्थान में, पहले बताया चंडीगढ़ में, फिर बताया दिल्ली में, राजस्थान। अब आ जाते हैं यूपी। पहले मैं स्लाइड चेंज करने से पहले आपसे पूछूंगा, जो जो यूपी में है, यूपी में कौन कौन सी हेरिटेज साइट यूनेस्को डेजिग्नेटेड हेरिटेज साइट है? जस्ट राइट योर आंसर इन कमेंट, जिससे पहले कि मैं अपनी स्लाइड चेंज करूं। और जो जो यूपी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यूपीएससी के लेवल का कंपटीशन है बॉस, यहां पे इजी नहीं है यूपी पीसीएस, तो राइट इन कमेंट। तो मैं अपने ज्योग्राफी के कुछ सेशंस पर्टिकुलरली आपके यूपी की ज्योग्राफी पे भी ले लूंगा, ताकि आपको अपने स्टेट पीसीएस में हेल्प करे। नाउ हियर, उत्तर प्रदेश, ताजमहल 1983, फतेहपुर सिकरी। जो जो आगरा गए और फतेहपुर सिकरी नहीं गया, आपने काफी बढ़िया चीज मिस कर दिया। बुलंद दरवाजा जरूर जाना, फतेहपुर सिकरी जरूर जाना। आगरा फोर्ट, अगर यूनेस्को इनको डेजिग्नेट कर रहा है, कुछ तो बात है ना। तो अगर नहीं देखा आपने, इफ यू गेट चांस टू विजिट ताजमहल, सिर्फ ताजमहल मत देखना, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी भी जरूर विजिट करना। ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट यूपी में हो गए थी। अब आता है मध्य प्रदेश। ना जो जो एमपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नो हेयर मध्य प्रदेश, बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची 1989, खजराव ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स 1986, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका 2003। तो एमपी में थ्री, बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची, खजराव ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। गुजरात के, नाउ हियर इन गुजरात वी हैव थ्री। वन इज हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, 2017 में ऐड हुई है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की बाप, व्हाट इज बाप, स्टेपवेल। ठीक है, सो दिस इज क्वीन स्टेपवेल, सीढ़ियां बनी होती है, नीचे है वेल, कुआं। दिल्ली में भी आगर से इनकी बावरी बोलते हैं। सो हियर इन राजस्थान, सॉरी इन गुजरात, वी हैव रानी की वाव, क्वीन स्टेपवेल एट पटान, गुजरात, जो कि 2014 में ऐड हुई है, उस टाइम काफी न्यूज में थी 2014 में ऐड होने के बाद। नेक्स्ट इज चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004, गुजरात में तीन। नाउ नेक्स्ट महाराष्ट्र, बिफोर आई पुट नेक्स्ट स्लाइड, दोज आर फ्रॉम महाराष्ट्र, जस्ट राइट इन कमेंट, महाराष्ट्र में कौन कौन सी केव्स या कौन कौन सी साइट हेरिटेज साइट है, कल्चरल यूनेस्को डेजिग्नेटेड हेरिटेज साइट। नाउ हियर महाराष्ट्र, सो व्हाट वी हैव इन महाराष्ट्र, अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, फॉर्मली बीटी, पहले जाना जाता वीटी के नाम से, विक्टोरिया टर्मिनल 2004, अजंता केव 1983, एलिफेंटा केव 1987, अलोरा केव 1983। उसके बाद है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स ऑफ मुंबई 2018। ओके, सो दिस इज महाराष्ट्र, आई रिपीट, अजंता केव्स, एंड आई आस्क यू, जैसे ही अगर आप मेरा सेशंस देख रहे हैं, नोटबुक और पेन साथ में रखना है, आपने ये सब चीजें नोट करनी है, अगर साथ में एटलस लिख लेंगे परफेक्ट,
उससे बढ़िया कुछ नहीं है, एटलस में मार्क कर लीजिए अगर आपके पास एटलस है, नहीं तो आप नोटबुक में ये सब लिख लीजिएगा, ईयर लिख लीजिएगा। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट पीसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अजंता केव, एलिफेंटा केव, एलोरा केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई। नेक्स्ट इज गोवा, गोवा में है चर्चिज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986, ठीक है। नाउ हियर गाइस, बिफोर आई कवर द रिमेनिंग वन, चंडीगढ़ में एक, दिल्ली में तीन, ठीक है, राजस्थान में जंतर मंतर एंड फोर्ट्स, यूपी में तीन, एमपी में तीन, गुजरात में भी मैंने बताया था, सो ट्राई टू रिकॉल इन योर माइंड गुजरात में क्या क्या था। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की बाव एंड चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट, महाराष्ट्र में बताया गोवा। नाउ हियर गाइस, there is announcement for you people, like what I'm doing, I'm making plan of my lectures for YouTube channel here, to main apna plan bana raha hu sessions ka, theek hai, to kindly write in comment jis topic pe aap cha rahe hain ki main session lu, and here people are asking whether it will be free, YouTube channel is free, yahan pe sara content to nahi hoga, but like just kindly keep on sharing my video, I promise you, agar meri ye video 3 million व्यू तक पहुंच जाती है, मैं आपको सारा मैपिंग कंटेंट यहां YouTube चैनल पे फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, 3 million व्यू। सो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड राइट टॉपिक व्हाट यू वांट मी टू टेक हेयर ऑन दिस YouTube चैनल रिगार्डिंग दिस ज्योग्राफी मैपिंग, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ नए नए टॉपिक और अच्छे तरीके से डिस्कस करूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके स्टेट पीसीएस के लिए और आप यूपीएससी के लिए। नाउ नेक्स्ट इज कर्नाटका, कर्नाटका में टू, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी 1986, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटेडक्कल। So here this is Hampi group of monuments and Pattadakkal group of monument at Pattadakkal 1987. So ये हो गया कर्नाटका। अब हमने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में देखना है। Those are from बिहार, just write in comment बिहार में कौन कौन सी साइट हेरिटेज साइट designated by UNESCO है। Now next is बिहार, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, महाविहारा एट नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार 2016 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। महाबोधि टेंपल कॉम्प्लेक्स एट बोधिगया 2002, ओके, सो ओके गाइस, हियर महाबोधि टेंपल कॉम्प्लेक्स एट बोधिगया, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा एट नालंदा बिहार। नेक्स्ट उड़ीसा, उड़ीसा में सन टेंपल कोणार्क 1984। नेक्स्ट कम तमिलनाडु, नाउ हियर इन तमिलनाडु वी हैव टू, ग्रेट लिविंग चोला टेंपल 1987-2004, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम 1984, सो आई रिपीट, ग्रेट ऑफ लिविंग चोला टेंपल्स, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। सो गाइस, जिस जिसने इन माउंटेन रेलवेज में ट्रेवल किया है, जस्ट राइट इन कमेंट, 3 माउंटेन रेलवेज है एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। साउथ में कौन सी है, नीलगिरी, एक नॉर्थ में, बट आई प्रेफर दैट नीलगिरी रेलवे, क्योंकि वहां बीच में वो स्टीम इंजन लगाते हैं, वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओके, सो वन इज नीलगिरी, सेकंड वी हैव कालका टू शिमला, मैंने दोनों में ट्रेवल किया, नीलगिरी में भी कालका टू शिमला, पर्सनली आई लाइक दिस वन, नीलगिरी वाला वंडरफुल एक्सपीरियंस, ट्रैक पे एलिफेंट आ गया था उसको हटाया, फिर ट्रेन चली एंड दैट स्टीम इंजन वंडरफुल। एक है दार्जिलिंग में,
माई फ्यूचर प्लान हेयर, जब भी टाइम लगेगा मैं जाऊंगा दार्जिलिंग रेलवे। सो हेयर तीन माउंटेन रेलवे हैं, नीलगिरी, कालकाटू शिमला एंड दार्जिलिंग। ईयर 1999, 2005, 2008। नाउ नेक्स्ट वी हैव नेचुरल हेरिटेज साइट्स, सात है एक मिक्स है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मिक्स के बारे में, थोड़ा सा स्लाइड में कट रहा होगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क के, तो ये आपका 2016 एंड दैट इज द मिक्स साइट, जो कि नेचुरल के अंडर भी आ रही है, कल्चरल के भी अंडर आ रही है। अब नेचुरल में हमारे पास 7, ठीक है, आई कवर दिस नेचुरल वन, या पहले रिवाइज करते हैं कल्चरल वाली, एक बार नेचुरल को भूल जाओ, कल्चरल वाली रिवाइज करते हैं। नोटबुक बंद कर दो माइंड में, ठीक है, मेरे साथ रिवाइज करो। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, फिर आता है दिल्ली में 3, हुमायूं कुतुब मीनार रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, फिर आता है राजस्थान में 2, जंतर मंतर एंड हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, 6 हिल फोर्ट्स हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गैंगनौर, आमेर, जैसलमेर। फिर आता है यूपी, यूपी में 3, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, एमपी, एमपी में 3, सांची, खजराव एंड भीमबेतका। सिर्फ एक एक वर्ड याद रख लेना, थोड़ा ईजी रहेगा पूरी लाइन याद करने की बजाय। फिर आता है गुजरात, गुजरात में भी 3, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की बाब, चंपानेर, पावागढ़। महाराष्ट्र 5, अजंता केव, एलिफेंटा केव, एलोरा केव, सीएसटी एंड विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई। गोवा में 1, चर्चिज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। कर्नाटका में 2, हम्पी एंड पटाडकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। फिर आता है बिहार, बिहार में 2, नालंदा एंड बोधगया। उड़ीसा 1, सन टेम्पल, तमिलनाडु 2, के कौन कौन से, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स एंड ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एंड महाबलीपुरम। नाउ हियर माउंटेन रेलवे, ठीक है, ये मत भूलना। फिर आता है नेचुरल साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट्स। आई टेल यू हाउ वी कैन रिमेंबर, इसको हम जाएंगे क्लॉकवाइज। ओके, पहले हो गया ग्रेटन हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया 2014, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में एचपी। फिर आता आपका उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है, यहां पे ये ग्रेटर हिमालय ये वाला एरिया। Here this is Greater Himalayas, here it is Nanda Devi Valley of Flower in Uttarakhand. Next is Kanchanjunga, मैंने अलग से लिखा हुआ है यहां पर सिक्किम में Kanchanjunga। तो यहां से घूमना आपको Greater Himalayas, फिर आना है उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, 2 एक साथ है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, फिर आना है Kanchanjunga सिक्किम, फिर आपको आना है आसाम में मानस एंड काजीरंगा, दिस का मानस एंड काजीरंगा दिस इन आसाम। फिर आपको घूम के आना है वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, देखो सुंदरवन कितना इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, रामसर साइट भी हो गया आप, और ये हेरिटेज साइट भी है सुंदरवन, 1987 में ऐड हुआ, सो दिस इज वेस्ट बंगाल। फिर आना है आपको घूम के यहां पे वेस्टर्न घाट, ठीक है, कोई स्टेट पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, ओके, सो दिस इज वेस्टर्न घाट।
फिर आना आपको केला देव घना नेशनल पार्क राजस्थान में. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आई गारंटी 2020 एक क्वेश्चन आने वाला है यहां से. रामसर साइट भी है और रामसर साइट में ये मॉन्ट्रोस रिकॉर्ड के अंडर भी है. काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट में पूछा था कि मॉन्ट्रोस रिकॉर्ड है क्या, आपको बताऊंगा रामसर के बारे में डिटेल में. ओके, बट मेरा थोड़ा मोटिवेशन बनाए रखिएगा. काइंडली शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. व्यू दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. आपको हर चीज पढ़ाऊंगा यहां पे मैं. ओके, नाउ हियर दिस इज केला देव नेशनल पार्क राजस्थान. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल हो गए 8 नेचुरल, क्योंकि ये जो है वो मिक्स भी है. तो हमने स्टार्ट करना हिमाचल प्रदेश से, ग्रेटर हिमालय, फिर आना उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, फिर जाना सिक्किम में कंचनजंगा, फिर जाना आसाम में मानस एंड काजीरंगा. ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा, मानस काजीरंगा के बारे में जब हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे डिटेल में. फिर आना है आपको, आज भी देखेंगे हम, आपको आना है वेस्ट बंगाल सुंदरबन, फिर आना है आपको वेस्टर्न घाट, और फिर राजस्थान में केवला देव घना नेशनल पार्क. ईयर अपने स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ये 2014 1988 2005, काजीरंगा 1985, मानस 1985, सुंदरबन 1987, वेस्टर्न घाट 2012. उसके बाद 2-3 साल बाद क्वेश्चन भी पूछा है वेस्टर्न घाट पे. नाउ हियर केवला देव घना नेशनल पार्क 1985. Now next, so we will see about this quickly. Greater Himalayan National Park Conservation Area in the state of Himachal Pradesh. जो हिमाचल प्रदेश है, kindly share this video with your friend. और आपके state PCS के लिए जो topic आपको चाहिए कि मैं यहाँ पे YouTube channel पे पढ़ाऊँ, kindly write in comment. Now here characterized by high alpine peaks, alpine meadow and riverine forest. Categorized by high alpine peaks, alpine meadow and riverine forest. Riverine, river के किनारे forest. काफी सारी rivers हैं. Part of the Himalayan biodiversity hotspot. Include 25 forest type along with a rich assemblage of fauna species. सोर्स ओरिजिन ऑफ द वेस्टवर्ड फॉलोइंग जीवानल सेंच तीर्थान रिवर. जो लोग ट्रैकिंग करते हैं वो तीर्थान रिवर वहां आसपास ट्रैकिंग करने जाते हैं. एंड द नॉर्थ वेस्टर्न फॉलोइंग पार्वती रिवर. ओके, सो दोज आर एडवेंचरस वो यहां पे आपको मिल जाएंगे. पार्वती रिवर सर्दियों में ये पूरा आइस कवर होती है, पार्वती रिवर के ऊपर ट्रैकिंग करते हैं लोग. ओके, ये याद रखना पार्वती रिवर. पूछ लेगा आजकल क्वेश्चन क्या पूछ रहे यूपीएससी में, नेशनल पार्क दे देगा, रिवर दे देगा, मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस दे देगा. लाइक हियर ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क पार्वती रिवर. ओके, इज पार्वती रिवर फ्लोज थ्रू ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क. ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फॉलोइंग पार्वती रिवर. ओके, रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट इन 2014. इन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखने वाली है हिमाचल प्रदेश. ठीक है, अल्पाइन है, रिवराइन फॉरेस्ट है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है हिमालय का. नाउ नेक्स्ट इज दिस वन, जीवानल सेंच तीर्थान पार्वती रिवर एंड 2014. ठीक है, आई होप थोड़ा सा फास्ट लिखा होगा आपने, लिख लिया होगा, इंपॉर्टेंट ये लिख लेना पार्वती रिवर एंड तीर्थान 2014 लिख लेना, हिमाचल प्रदेश आपको पता ही चल गया. ओके, नेक्स्ट इज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इन वेस्ट हिमालय. ठीक है, वेस्टर्न पार्ट हो ही गया, ईस्टर्न हिमालय से क्या है सिक्किम भूटान, भूटान तो हमारे लिए कंसर्न है नहीं. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश अपर असम वो हो गया ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय उत्तराखंड में है. ओके, इज रिनाउंड फॉर इट्स मेडो ऑफ एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स वंडरफुल प्लेस. ठीक है, एंडेमिक उसी जगह पे मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, उसी प्लेस का एंडेमिक एल्पाइन. जब हम वेजिटेशन पढ़ेंगे हम देखेंगे सब एल्पाइन एल्पाइन, हाइट क्या है तो वहां पे एल्पाइन वेजिटेशन मिल रहे, तो एल्पाइन फ्लावर्स ब्यूटीफुल. नाउ नेक्स्ट इज कंप्राइजेस द कैचमेंट एरिया ऑफ द ऋषि गंगा, याद रखना ऋषि गंगा एंड ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ धौली गंगा.
धौली गंगा के बारे में बताऊंगा जब मैं आपको पंच प्रयाग बताऊंगा। प्रयाग तो आपको पता ही है, दो रिवर जहां मिलते हैं वो होता है प्रयाग, ठीक है। अब देव प्रयाग है हमारे पास, पंच प्रयाग, हमारे पास पंच प्रयाग है, इंपॉर्टेंट स्टेट पीसीएस के लिए तो काफी है, उत्तराखंड और यूपी दोनों स्टेट के लिए, बट यूपीएससी के लिए भी लाइक इट इज इंपॉर्टेंट। पंच प्रयाग निमोनिक बताऊंगा उसका, कैसे याद रखना है सीक्वेंस, कौन सी रिवर कहां मिलेगी और फिर कौन सा प्रयाग मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज होम टू रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल इंक्लूडिंग द एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, ब्लू शिप। द एंटायर एरिया लोकेटेड विद द वेस्टर्न हिमालयन एंडेमिक वर्ल्ड एरिया, दिस इज EBA, ओके, एंडेमिक बर्ड एरिया, रिकॉग्नाइज एज यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट इन 1988-2005, ओके। इन दो सालों में इसको रिकॉग्नाइज किया है, पहले 1988 में, 2005 में दोबारा से रिपीट किया और इसको रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन सिक्किम, कंप्राइजेस ए यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ लो लैंड्स, स्टीप साइडेड वैली। तो यहां पे मिलते हैं स्टीप साइडेड वैली, जब हम हिमालयस पढ़ेंगे तो हम फिजियोग्राफी ऑफ हिमालयस देखेंगे तो पता चलेगा हमारे सिक्किम में स्टीप साइडेड वैली एंड स्पेक्टिकुलर स्नो लैड माउंटेन इंक्लूडिंग द वर्ल्ड थर्ड हाइएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा, वर्ल्ड की तीसरी हाइएस्ट पीक है। पहली दो हाइएस्ट पीक जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, सबसे पहली और दूसरे नंबर वाली। पहले जब क्वेश्चन पूछा था काफी लोगों ने मार्क किया था, लिखा था। नाउ हियर फॉल्स विद इन द हिमालय ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड डिस्प्ले एन अनसर्पास्ड रेंज ऑफ सब ट्रॉपिकल टू एल्पाइन इकोसिस्टम, ये भी वेजिटेशन का पार्ट हो गया। अब क्या हो गया, ट्रॉपिकल तो इसे नीचे ही मिल रहा है, आफ्टर दैट शिवालिक लेसर हिमालय ग्रेटर हिमालय, यहां पे आपको मिलेगा सब ट्रॉपिकल, ठीक है, फिर मिलेगा टेम्परेट वेजिटेशन, फिर मिलेगा सब एल्पाइन, एल्पाइन, तो यहां पे हमें रेंज ऑफ सब ट्रॉपिकल टू एल्पाइन इकोसिस्टम मिल रहा है कंचनजंगा में, सब ट्रॉपिकल टू एल्पाइन। हिमालयस आर नैरोएस्ट हियर रिजल्टिंग इन एक्सट्रीमली स्टीप टेरेन विच मैग्निफाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरियस इको जोन्स, ठीक है। यहां पर हिमालयस नैरोएस्ट है, स्टीप है, जब ओरिजिन ऑफ हिमालयस पढ़ेंगे, हिमालयस कैसे बना, हिमालय के बीच में ग्रेटर हिमालयस लेसर हिमालयस के बीच में जब मैं MCT MBT ये सब चीजें पढ़ेंगे डिटेल में तब वी विल सी दिस पैट। नाउ नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016 अंडर मिक्स कैटेगरी, फर्स्ट फ्रॉम इंडिया इन दिस कैटेगरी, इंडिया की पहली मिक्स कैटेगरी है। सो दिस इज अबाउट कंचनजंगा, सिक्किम याद रखना है आपने, वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा हो गया, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया, सब ट्रॉपिकल टू एल्पाइन इकोसिस्टम हो गया और 2016 एंड मिक्स की सिर्फ पहली है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। नेक्स्ट इज केरला देव घना नेशनल पार्क राजस्थान में, कल भी पढ़ा था इसके बारे में, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे। अब जब मैं आपको बताऊंगा कि केरला देव घना नेशनल पार्क मॉन्ट्रोस रिकॉर्ड में क्यों आ गया, वहां पे ग्रासेस है, उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा हो रही है, उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। और क्या होता है, साइबेरिया सेंट्रल एशिया, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया, विंटर में क्या होता है, साइबेरिया सेंट्रल एशिया, रशिया सेंट्रल एशिया से वहां के लोग और वहां के बर्ड उठ के इंडिया में आ जाते हैं, लोग तो मेनली गोवा में मिलेंगे, ठीक है, भीड़ लगी होती है, बर्ड आते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, वुलर लेक पे चले जाएंगे। तो क्या है कि वहां पे विंटर्स काफी हार्ड्स है और उस टाइम में इंडिया का वेदर है ठीक, तो ये जो क्या है कि बर्ड्स माइग्रेट करके आ जाते हैं इंडिया की तरफ, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे, तो यहाँ तक आते हैं, रुद्र सागर भी, त्रिपुरा वहाँ भी जाते हैं, वुलर लेक पे भी काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उस ग्रास की ग्रोथ की वजह से नाउ इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर साइबेरियन क्रेन,
अब वो कम आ रही है यहाँ पे, तो इसलिए उसको मॉन्ट्रल रिकॉर्ड में डाला गया, केवलादेव घना नेशनल पार्क। कल लोगों ने पूछा था, आज मैंने रिप्लाई कर दिया, और आगे वाले लेक्चर्स में आपके सारे आंसर मिलते रहेंगे। डोंट वरी गाइस, के जस्ट कीप ऑन लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी आप लोगों के लिए काफी मेहनत करूं और आपके साथ हर टॉपिक मैं पिक डिस्कस करूं। डॉग्स, गीज, कोट, पेलिकन एंड व्हाट अराइव इन द विंटर, तो ये सब है विंटर में इस तरफ आ रहे हैं। द ओनली नोन विंटरिंग साइट ऑफ द सेंट्रल पॉपुलेशन ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइबेरियन क्रेन, ओनली नोन साइबेरियन क्रेन यहाँ आ रही है। अदर ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीसीज सच एज द ग्रेटर स्पॉटेड ईगल एंड द इंपीरियल ईगल ऑल्सो फाउंड, तो याद रखना साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इंपीरियल ईगल ऑल्सो फाउंड हेयर, हो सकता है। डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट इन 1985। तो वी रिवाइज, जिस लिखा करो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। राजस्थान, क्योंकि अगर पूरा रिवाइज करना है तो ये वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ी ही रहेगी, आप देख लेना, लिख लो राजस्थान, सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे, और यहाँ पे क्या है डक्स गीज एंड ऑल, और यहाँ पे साइबेरियन क्रेन लिख लो, और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल लिख लो, इंपीरियल ईगल लिख लो। नोट्स बनाने होते हैं ना, कम से कम लिखना होता है, क्योंकि यूपीएससी में मेंस हो रहे हैं आपके बैक टू बैक, इतने बल्कि नोट्स मत बना लेना, ज़्यादा ही टेंशन हो जाएगी उनकी। तो आपने क्या है कि नोट्स छोटे से छोटे बनाने हैं, आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है A4 साइज पेपर, उसमें बीच में लाइन लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया केवलादेव घना नेशनल पार्क, और यहाँ पे एक एक वर्ड में लिख दिया राजस्थान सेंट्रल एशिया माइग्रेटरी, दो तीन वर्ड में खत्म, रिवाइज करने के लिए। अदरवाइज अगर पूरा ही देखना है तो वीडियो देख लेना दोबारा से, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये दो तीन पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट इन 1985। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट ओल्डर देन हिमालयन माउंटेन्स, यस पता है आप लोगों को, हिमालय आर द यंगेस्ट वर्ल्ड माउंटेन, ए चेन ऑफ माउंटेन रनिंग पैरेलल टू इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30-50 किलोमीटर इनलैंड। द घाट ट्रांसवर्स द स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखेंगे कि वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी पढ़ेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी पढ़ेंगे, पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन भी पढ़ेंगे, ग्रेट प्लेन्स भी पढ़ेंगे, हिमालयस भी पढ़ेंगे, हिमालयस में डिफरेंट रेंजेस भी देखेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट पूर्वांचल वाला पार्ट भी देखेंगे, अंडेमान निकोबार, हर चीज देखने वाले हैं। बट यहाँ पे देख लो स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। जब वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे तो इसका एक्सटेंशन देखेंगे, कितने किलोमीटर है, कैसे है, कहाँ पे वाइडर है, कहाँ पे नैरो है, दैट लेटर ऑन। साइट हाई माउंटेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून वेदर पैटर्न मॉडरेटिंग द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ द रीजन, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे वेराइटी मिलती है हॉटस्पॉट। अब देखो क्या है कि ये वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, ये वेस्टर्न साइड हो गया, ये ईस्टर्न साइड हो गया, यहाँ से आ रहा है आपका साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो पिछले वाला पॉइंट क्या कह रहा था कि मॉडरेटिंग द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ द रीजन, ठीक है। अब क्या है इस स्टेटमेंट का मतलब, क्या है मॉडरेटिंग द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ द रीजन। अब हाइट पे जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ट्रॉपिकल एरिया होते हुए भी सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिल रही है, सब ट्रॉपिकल वेदर मिल रहा है, तो वे क्या कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है, जो जितनी गर्मी होनी चाहिए थी उतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट की वजह से। हिमालयस, इंडिया पोलर कंट्री तो है नहीं, हिमालयस में देखो ग्लेशियर मिल रहे हैं, तो हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए। और दूसरा चीज, यहाँ पे हमें वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम और लाइक वेराइटी ऑफ वेजिटेशन क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट में इस तरफ ज़्यादा रेनफॉल हो रही है वेस्टर्न साइड पे, दूसरा हो गया लीवर साइड, यहाँ कम रेनफॉल हो रही है, और हाइट वाइज भी रेनफॉल में डिफरेंस है। जैसे ही रेनफॉल में डिफरेंस आता है, वेजिटेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज़ हम डिटेल में देखेंगे जब हम वेजिटेशन पढ़ेंगे कि नियर दैट कोस्ट क्या वेजिटेशन मिल रही है, वेस्टर्न घाट पे एक पर्टिकुलर हाइट तक क्या वेजिटेशन मिल रही है, उसके ऊपर क्या मिल रही है, टॉप पे क्या मिल रही है, और ईस्टर्न साइड पे क्या वेजिटेशन मिल रही है,
और उसके बाद रेन शैडो एरिया भी देखेंगे लीवर्ड साइड में. नाउ हियर हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट इन 2012. सो दिस इज अबाउट योर वेस्टर्न घाट. नेक्स्ट आता है सुंदरवन लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश. बांग्लादेश में भी है ठीक है सुंदरवन. मैनग्रूव फॉरेस्ट दुनिया में सबसे बड़े बट उसका 60% चला गया बांग्लादेश में, 40% है इंडिया में, वो भी बहुत ज़्यादा है 40% भी. कंटेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैनग्रूव फॉरेस्ट एंड द ओनली वन दैट इज इनहेबिटेड बाय द टाइगर. ठीक है जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रूव. मैनग्रूव क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सब चीज़ हम देखने वाले हैं. रॉयल बंगाल टाइगर, इरावाडी एंड गंगास रिवर, डॉल्फिन, किंग कोबरा, द एंडेमिक रिवर टेरापिन, नेस्टिंग ग्राउंड फॉर द मरीन टर्टल इंक्लूडिंग द ऑलिव रिडली टर्टल ग्रीन एंड हॉक बिल, सजना खाली एरिया, इंटरेस्टिंग नाम है सजना खाली एरिया, लिस्टेड एज एन इंपॉर्टेंट वर्ड एरिया, कंटेन्स ए वेदर ऑफ वाटरफॉल वर्ड्स, रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट 1987. आपको नहीं दिख रहा होगा लास्ट स्टेटमेंट है रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को हेरिटेज साइट 1987. तो इंपॉर्टेंट क्या क्या याद करना, गंगा ब्रह्मपुत्र है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट है पूछा जा सकता है, एंड द ओनली वन दैट इज इनहेबिटेड बाय द टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर है, दिस गंगा रिवर डॉल्फिन है, एंड ऑल दिस टर्टल और ऑलिव रिडली टर्टल, सजना खाली एरिया लिस्टेड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, कंटेन्स ए वेल्थ ऑफ वाटरफॉल्स बर्ड्स. सो यू रिमेंबर दिस एरिया, सजना खाली एरिया कैन बी आस्क. नाउ नेक्स्ट इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम. टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या क्या मिल रहा है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, अब हम देखेंगे वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट एवरग्रीन, लिटोरल एंड स्वैम फॉरेस्ट. तो सेमी एवरग्रीन में रेनफॉल बताऊंगा, एरिया बताऊंगा कि इंडिया में कहां कहां सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहा है. तब तक आप लोगों को ध्यान रखना है कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में, वहां उसके आसपास हमें मिल रहा है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिक्स मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड एलुवियल ग्रासलैंड. टाइगर, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, स्वैम डियर, पिग्मी हॉग, आसाम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, कैप लंगूर, बंगाल फ्लोरिकन. ठीक है, कुछ एक नाम याद रख लेना, मेंस में भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि उस एरिया के बारे में लिखिए तो यू कैन राइट वन और टू. और व्हाट हैपन, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे. ठीक है, अगर सारे नाम नहीं याद रहेंगे तो वहां पे एक दो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट होगी जो आपको हेल्प करेगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ आसाम, बोडो ट्राइब. तो यहां पे मिल रही है बोडो ट्राइब. क्या होता है, तीन चार नेशनल पार्क दे दे, सेंचुरी दे दे और ट्राइब दे दे, कह दे मैच द फॉलोइंग. सो यू रिमेंबर दिस बोडो ट्राइब, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Now next is recognized as UNESCO Natural Heritage Site in 1985. Those are from Assam, just remember this year, क्योंकि state pieces के लिए काफी important है. Next is Kaziranga National Park, located in the state of Assam. कुछ student ना confused हो जाते हैं, सोचते हैं Kaziranga Biosphere Reserve भी है. Kaziranga Biosphere Reserve नहीं है, but बहुत important है. ठीक है, आसाम में दो बायोस्फीयर रिजर्व है, जस्ट राइट इन कमेंट कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है. ठीक है, हिंट दे देता हूं, एम डी, एक बनेगा एम से एक बनेगा डी से, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल लो कुछ भी बोल लो, एम डी. ठीक है, नाउ हियर, क्योंकि क्या होता है, हमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है. जब नॉलेज नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आधी नॉलेज होती है ना वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है. और उसको दूर करने के लिए हमने क्या करना है, मेमोराइज करना है, विजुलाइज करना है, कुछ सीक्वेंस बनाने हैं, कुछ कीवर्ड, जैसे ये एमडी है मुझे हमेशा याद रहता है.
कि आसाम में दो बायोस्फीयर रिजर्व है, कैसे याद करना है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम, काजीरंगा, वेट एलुवियल ग्रासलैंड, ऑक्यूपाई नियरली 2/3 ऑफ द पार्क एरिया एंड आर मेंटेन्ड बाय एनुअल फ्लोटिंग एंड बर्निंग, एनुअल फ्लडिंग, माई फॉल्ट, एनुअल फ्लडिंग एंड बर्निंग एट द जंक्शन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एंड इंडो एशियन फ्लाईवे एंड इज डेजिग्नेटेड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, ठीक है जी, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखेंगे, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में, आई गिव यू इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने, इसने इसको क्या डिक्लेयर किया है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इनहेबिटेड बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसेरस विच आर लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट, हैज वन ऑफ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ द टाइगर इन द वर्ल्ड, इट ऑल्सो हार्बर द गंगा रिवर डॉल्फिन, वाइल्ड वाटर बुफेलो, गोर, सांबर डियर, हॉक डियर, कैब लंगूर एटसेट्रा, डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट इन 1985। ओके सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जितना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सके करिए, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और मैंने आपसे बोला है कि आप अपने टॉपिक कमेंट में लिखिएगा, जिस जिस टॉपिक को आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे कवर कराऊं, और जिस जिस स्टेट पीसेस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट राइट इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।